Let us look at the responsibilities of the principal officer. जो rule 7.2 है PML rules का, वो specify करता है कि principal जो officer है that is responsible for the submission of the prescribed reports to the FIU IND. यानी कि specified time period के under जो principal officer है उसने इस चीज को assure करना होता है कि जो reports हैं, पांच reports जो रहती हैं जिसमें से चार जो रहती हैं उनकी frequency monthly रहती है, यानी कि 15 तारीख तक, यानी कि फॉलोइंग मंथ की 15 तारीख तक आपको रिपोर्ट्स भेजनी होती है, उसकी जिम्मेदारी उसके पास रहेगी। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो एक नोडल पॉइंट रहेगा बैंक में, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को देखेगा कि किस तरह से जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हमको ऑपरेशंस में लाया जा रहा है। ओके, तो इस व्यू में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रिंसिपल ऑफिसर की, उसमें कुछ एक एस्पेक्ट हैं, लेट अस कवर देम ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिगार्डिंग कि जो केवाईसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है बैंक के लिए, वो प्रिंसिपल ऑफिसर का काम है, एंड उसे अपडेट भी रखना है, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्ड में केवाईसी पॉलिसी को अपडेट भी रखना है। इसी तरह से जो वेरियस वर्टिकल्स हैं या फिर जो फंक्शनरीज हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट किस हिसाब से करना है कि जो वेरियस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके पास प्रॉपर जो ऑपरेशंस का मैनुअल हो कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रोसेसेस में किस तरह से जो चेंजेस उनको रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि केवाईसी एएमएल के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस तो यहाँ पर पॉलिसी में लिख दी, लेकिन पॉलिसी जो होगी ये डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट तरह से अमेंड रहेगी। तो हायरार्की के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर केवाईसी एएमएल के जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए जो मैनुअल रहेगा वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर कि किस हिसाब से केवाईसी एएमएल के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फुलफिल किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो प्रोडक्ट पेपर्स हैं जिसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क असेसमेंट है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में बताया जाएगा। फर्दर एसओपीज के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जिस मॉडलिटी को ऑपरेट करने में हमने इस्तेमाल करना है, एंड अगर वहाँ से कोई डिविएशन होती है तो उसे रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसे बताना ज़रूरी है। फर्दर वेरियस बिजनेस लाइन्स में किस तरह से ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस को अपनाना है उसके बारे में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है डिफरेंट फंक्शन यूनिट से। इसी तरह से जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन मॉडल अपनाए जाएंगे वेरियस बिजनेस लाइंस में, वो किस तरह से अपनाए जाएंगे उसके बारे में बताना जरूरी है यहाँ पर। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ना रखना कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं या नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में देखें, अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाइज देखें, ताकि जो वेरियस हमने सबमिशंस करनी है रिपोर्ट्स की FIU IND की, वो हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके रिगार्डिंग जो जिम्मेदारी रहेगी वो प्रिंसिपल ऑफिसर के ऊपर रहेगी। इसी तरह से इस चीज़ को इंश्योर करना कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो FIU रिपोर्ट्स में कवर हो गई हैं, यानी कि जितनी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए थी वो सभी FIU रिपोर्ट्स में कंपाइल कर दी गई, फाइल कर दी गई हैं। एंड फर्दर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होने चाहिए इस तरह की ट्रांजैक्शन के डिटेक्शन के रिगार्डिंग, उनको इंश्योर करना, एंड रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को जो कि रिकमेंड किए गए हैं IBA की वर्किंग कमेटी के द्वारा, एंड जो अपने खुद के एक्सपीरियंस हमने डिटरमाइन किए हैं उनको अडॉप्ट करना, ठीक है। रेड फ्लैग इंडिकेटर्स, यानी कि रेड फ्लैग इंडिकेटर्स क्या रहते हैं, कुछ एक पैटर्न्स रहते हैं, कुछ एक नेम्स का हो सकता है, कुछ एक प्रोफाइल्स की हो सकती है, कुछ एक ट्रांजैक्शंस का जरिया हो सकता है, सोर्स हो सकता है, जहां पर आपको फ्लैगिंग करना पड़े कि अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन मैच कर रहा है तो सिस्टम अपने आप ही उन्हें फ्लैग कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के जो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स हैं ये किसके द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, दीज आर रिकमेंडेड बाय द IBA वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना भी, वो भी किसकी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इसी तरह से ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एंड सेंसिटाइजिंग ऑफ द स्टाफ रिगार्डिंग KYC ML एस्पेक्ट्स, इसके लिए इनिशिएटिव लेना। फर्दर कोई भी मैटर है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोई लीगल एस्पेक्ट को लेकर, रेगुलेटरी एस्पेक्ट को लेकर, अगर किसी तरह का मेजर लिया जाना चाहिए था एंड उसमें किसी तरह का लूप होल है, कोई गैप है, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को प्रोवाइड करना, उसको इतला रखना उसके रिगार्डिंग, ये भी प्रिंसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। फर्दर जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स हैं उन्हें बोर्ड को या फिर जो ऑडिट कमेटी है बोर्ड की, वहाँ पर उनके सामने रखना, ये भी प्रिंसिपल ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी।